फ्रेंड्स, विंटर स्पेशल ये अड़दिया बनाने के लिए यहाँ हमने उड़द का आटा लिया है। जो उड़द दाल होती है उसी का आटा हमें चक्की पे आसानी से मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। और इसके लिए हमने थोड़ा सा दूध लिया है, घी लिया है और यहाँ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं सारे मैंने। उसे बिल्कुल बारीक उसे पीस लिया है, कूट लिया है, मतलब दरदरा सा मगज तरी के बीज लिए हैं और गुड़ लिया है। यहाँ मैं इसे गुड़ से बना रही हूँ और खड़ी शक्कर से भी इसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले ये आटा को मैं इस बाउल में खाली कर लूंगी। तो यहाँ 250 ग्राम आटा है उड़द का आटा, तो जितना हमें आटा लेना है उतना ही यहाँ हमें घी की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आटे में हम पहले ये जो दूध लिया है इसमें हम 2 चम्मच जैसा घी मिला लेंगे और इसी का हमें इसमें मोयन देना है धीरे धीरे से डाल के। तो फ्रेंड, बहुत थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे, तो इससे क्या है कि जो टेक्सचर है पूरा दानेदार सा आएगा हमारे इस मिठाई का। तो इसे हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं डालना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। पूरे आटे में हमें इसे अच्छे से मिलाना है। तो फ्रेंड, 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें डाला है। तो देखिए आप, इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल आटा सानने जैसा नहीं होना चाहिए। तो मोइन डालते समय ये दानादार हो गया है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे चाल लेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, हम इस आटे को इस तरीके से चलनी में ले लेंगे और इसे चाल लेंगे। इससे बिल्कुल दानेदार सा टेक्स्चर आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो उड़द का आटा होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए, कि जिसके घुटनों में भी कहते हैं कि ग्रीस कम हो जाती है और ऐसे उड़द के आटा खाते नहीं हैं बच्चे। लेकिन ठंडी में अगर हम इसकी रेसिपी जब बनाते हैं तो ये गर्माहट भी देता है, कमर दर्द में भी बहुत ही, मतलब गुजरात में तो हर मिठाई की दुकान पर आपको ये मिल ही जाएगा। तो ये इसे अड़दिया कहते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आटा चल चुका है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस हमने की है इसे धावा देने की प्रोसेस कहते हैं। अगर आप ये ना करना चाहें तो भी आप इसे बना सकते हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल दुकान में जिस तरीके से बनता है वो बता रही हूँ, इसीलिए मैंने बताया है। तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप ऐसे भी आटे को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें अब मैं घी ऐड कर दे रही हूँ। तो घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें आटा ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम जो है हमें बिल्कुल धीमी रखनी है फ्रेंड्स, और इसे लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। ब्राउन कलर का ये जब तक हो जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है फ्रेंड्स। 10 से 12 मिनट तक फ्रेंड्स इसे हमें धीमे ताप पे पकाना है। तो इसमें गैस की फ्लेम बिल्कुल भी आपको तेज नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, देखिए किस तरीके से घी छूटा है फ्रेंड्स और आटा हमारा कितना हल्का हो गया है। इसी तरीके से आपको बहुत धीरे धीरे इसे चलाते रहना है फ्रेंड्स, लेकिन अभी भी इसे हमें हल्का ब्राउन करना है, तो अभी भी हमें इसे चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका हल्का कलर चेंज हो गया है। इसी समय पर हम इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इन्हें पहले से घी में भूनने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, अभी ये इसी में भून जाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप बूरा का, अगर शक्कर, मतलब जो मिश्री होती है इसकी चाशनी से अगर बनाते हैं तो आपको उसकी 2 चार की चाशनी बनानी है और फिर उसमें ऐड करनी होती है, पर यहाँ मैं गुड़ से बना रही। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी गर्म है, इसे मैंने नीचे उतार लिया है। अगर आप चाशनी वाला बनाना चाहते हैं तो आपको फिर इसी पे चाशनी 2 तार की बना के ऐड करनी है, पर यहाँ मैं गुड़ को मैंने बिल्कुल बारीक सा कूट लिया था और अब मैं इसी गर्म में गुड़ को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और क्योंकि गैस पे हम नहीं रखेंगे क्योंकि फिर बहुत हार्ड हो जाता है, तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैंने जो थाली रखी है उसे पहले से ग्रीस कर लिया है, उसी में इसे जमा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं, ये काफ़ी गर्म है अभी, मैं फिर भी आपको बना के बताती हूँ। तो आप इस तरीके से लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे जमा दूँगी, काफ़ी गर्म है फ्रेंड्स। तो मैं कटोरी की मदद से इसको सेट कर दे रही हूँ क्योंकि हाथ तो बिल्कुल सह नहीं रहा है, बहुत ही गर्म है। तो आप भी इसको इसी तरीके से सेट कर दीजिएगा और फिर जब ये थोड़ा जम जाएगा तब हम इसके कट करेंगे पीसीस, और फिर इस पर थोड़ा मैं मगज तरी के बीज को भी डाल दे रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड। और फिर इसे हम प्रेस कर देंगे अच्छे से।
तो फ्रेंड्स इसमें कट लगा लिया है, अब मैं इसके पीस निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा अड़दिया बनके रेडी हो चुका है, देखिए कितनी अच्छी सी बनी है फ्रेंड्स, और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। यहाँ मैंने इसे कट किया है तो ये बहुत ही अच्छी है, सर्दियों में इसे ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही गुणों से भरपूर है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।